क्योंकि रात में अपने को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ये कंफर्म है। सो हेलो जी, की हाल चाल सारे अनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो जी अब निकल रहे हैं सेरेमिक प्रो से लैला को लेके और सीधा जाएंगे यहाँ से करण भैया की शॉप पे। छोटा मोटा कुछ काम है आपके सामने ही करवाएंगे, तो चलो चलते हैं सीधा करण भैया की शॉप पे। और ये हमारे आयुष उद्यान, ये मेरी थोड़ी वीडियो बना रहे हैं कुछ रील्स के लिए। भाई इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जी अब निकला जाए यहाँ से अभय भैया की शॉप पर और वहाँ छोटे मोटे जो काम है वो कर करा के फ्री करके लेट्स गो। ओहो अपनी लैला को इतने दिनों पर चला के यार अलग ही फील आ रहा है। ओ लैला मजा आ गया लैला यार, इससे ना पता नहीं क्यों मेरा दिल से प्यार है यार। अटैचमेंट जो है मेरी इससे बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बहुत ज्यादा प्यार है इससे यार मेरे को। ओ लैला ओ मेरी जाने मन बाहर निकल, आज दशहरा है आज का वादा है ये मैं आ गया। पूसा भाई एक ऐसी चीज है दिलों पे राज करती है यार ये। जो प्यार दे रही है ना भाई अपना। और ये आ चुके हैं भाई अपना WDP वाला रोड और यहाँ जरा सा फ्लाई बाय देंगे अपन। यार ये ना अलग लेवल है यार, इसमें पावर जो है वो बहुत अलग लेवल है यार। और ये भाई अपना मालवीय नगर, यहाँ से करण भैया की शॉप ज़्यादा दूर रही है बस पहुँचने में ही है यार। यार मैं तो रास्ता ही भूल गया भाई, काफ़ी दिनों के बाद इधर में आया हूँ तो रास्ता ही भूल गया यार। यहाँ से शायद से अपने को राइट ही जाना है, हाँ राइट ही जाना है, आई मीन लेफ्ट, और आगे से अपन हो जाएंगे राइट। क्या फिरात में उड़ रही है भाई ये। और ये ऊपर से राजधानी क्रॉस करते हुए बस, हमारे पास रोड नहीं है नहीं तो अपन इसको क्रॉस कर देते। मिलना आप हाईवे पे फिर बताएंगे हम आपको, क्योंकि आपके बीच में कुछ आना नहीं है और हमारे बीच में कुछ आ गया तो हमारे बीच में कुछ बचना नहीं है। सो आज के लिए सॉरी, बाद में मिलेंगे आपसे। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, ये मैंने करण भैया से करवाया है एक ओंकार का साइन और यहाँ मैंने अपना चैनल का ज़रा सा नाम लिखवाया है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है भैया ने और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब निकलना चाहिए यहाँ से, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, निकलते निकलते अभी भी आधा पौन घंटा लग जाएगा। हाँ लाउड ज़्यादा है क्योंकि काम चल रहा है इधर में। अंकित आयुष और उदयन वो सब गाड़ी में है और यहाँ से अब जा रहे हैं भाई GT की तरफ। GT में कुछ खाने पीने को चाहिए, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
और खाएंगे पिएंगे नहीं तो भाई जिएंगे कैसे। और यहाँ अभी देखो मैंने राइडिंग गियर्स वगैरह नहीं पहने हुए, बट स्टिल अभी कुछ खा पी लेते हैं, फिर वहाँ से राइडिंग गियर पहन के ही निकलूँगा मैं, क्योंकि अभी तो यार सिटी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और यहाँ से निकलेंगे तो भाई ऑलरेडी सारा कुछ पहन के ही निकलने वाले हैं। तो भाई लोगों बज चुके हैं 5:15 और अब यहाँ से निकल रहे हैं जयपुर से। पहले चलता हूँ मैं रामबाग, क्योंकि जो पावर पेट्रोल है वो मेरे के रामबाग पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है, शायद से यहाँ मिल जाएगा अपने को पावर पेट्रोल, तो यहीं से टैंक फुल करवा लेते हैं, तो रामबाग जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भाई मैंने आज से पहले XP 100 कभी नहीं ट्राई किया, तो आज भैया ने बोला कि प्लीज़ भैया एक बार डलवाओ, आपको पसंद आएगा। भाई 160 रुपये लीटर है यार वो, मतलब मेरा तो ना मन से ही ऐसा हो गया यार क्यों। और भाई 12 लीटर आया है 2000 रुपये का। कोई बात नहीं भाई, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, पहली बार डलवाया है, क्या पता एवरेज अच्छा है या स्मूथनेस जो भी होगी मैं रास्ते में आपको पक्के से बताने वाला हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। भाई थोड़ी सी ना मेरे को मेरी हवा निकल रही है, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद इसको चला रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद से मेरे हाथ में बैठ नहीं रही है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा है ना अग्रेसिव है यार, मतलब डराती है मेरे को खुद को ही। अभी कोई सामने आ जाए कुछ हो जाए ना यार भाई डर सा तो लगता ही है यार, तो अभी ज़्यादा स्पीड से नहीं, थोड़ा हिसाब से ही चलूँगा, क्योंकि अगर ये मुझे डराएगी ना तो मैं बहुत ज़ोर से डर जाऊँगा, फिर मेरे ऊपर भी रील बन जाएगी मैं तो डर गई। यार आजकल बहुत फनी रील चल रही है वो मैं तो डर गई करके, एक बार ज़रूर से सर्च करना, बहुत अच्छी रील है यार, मतलब जो साउंड है ना वो बहुत प्यारा साउंड दिया गया है यार उसमें। तो भाई लोगों फाइनली टाइम हो चुका है जयपुर को बाय बाय करने का, और ये आ गए भाई अपन लास्ट टनल पे, जहाँ से स्टार्ट हो जाएगी टनल और सीधा भरतपुर हाईवे पे वो हमें ड्रॉप कर देगी। ये लो जी आ गया यहाँ से लेफ्ट, आयुष अंकित वगैरह सब पता नहीं कहाँ पर हैं, बट हाईवे पे पहुँच के मैं उनको कॉल करने वाला हूँ कि वो कहाँ है, जिससे कि सारे साथ में ही चलेंगे यार। और यहाँ अपना हाईवे पे आ चुके हैं अपन। भाई जो यहाँ साउंड मैं फील करता हूँ ना, शायद ट्राई करूँगा कि वो फील आप भी कर सको। बाकी यार हेलमेट के अंदर देखते हैं कितना साउंड आएगा, बट जो रियलिटी में आता है ना वो बहुत अलग अमेजिंग होता है। बाकी लेट्स सी, बोले तो लेट्स सी। भैया भीड़ होती है अंदर टनल में, मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला पाऊँगा, बट स्टिल यार ट्राई करूँगा। मुझे लगता है कि मेरी हेडलाइट का जो HID है वो जा चुकी है, गेम ओवर। और जो मेन पॉइंट है बस एक वही वर्क कर रहा है, तो भाई आज रात होने वाली है अपने को मुश्किल, तो जितना हो सकेगा भाई अभी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि रात में अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ये कंफर्म है, क्योंकि ऑलरेडी 6 यहीं बज चुके हैं, तो मुझे 8 तो आराम से बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते। तो बाबा जी थोड़ी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यार अभी जब मैं लेके आया था तब तक तो ठीक थी, बट पता नहीं अब एकदम क्या हो गया, वो भी मुझे अंदर आया तब मुझे देखा कि यार इंडिकेटर का फोकस आ रहा है, छोटे वाले जो पार्किंग बल्ब्स होते हैं उनका भी आ रहा है, बट जो मेन हेडलैम्प है वो शायद से फ्यूज़ हो गया है या पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट वो गया। वो तो गया,
बोले तो गया, घर को गया अपने। अब देखते हैं जी क्या होगा। ऊपर वाले से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होगा, जो ऊपर वाला चाहेगा वही तो होगा। भाई यहाँ से ना आप दोसा तक तो बिल्कुल आराम से जाना, क्योंकि यहाँ जो जितने भी चौराहे और सर्किल है ना, आप कुछ भी नहीं पता लगेगा कब कहाँ से कौन आ जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। भाई लोगों, बाइक की लाइट ख़राब हो जाना मतलब एक बहुत बड़ा वो है यार रिस्क। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे साथ हमारी गाड़ी भी है, तो इसके भरोसे भरोसे साथ साथ में चल चल के पहुंच ही जाऊंगा आखिरकार घर तक। तो और बाकी यार ये इसका जल्दी से कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी देखो कहाँ नाइट में चलना पड़ जाए कुछ नहीं पता। जैसे आज अपने को अपने साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम ये इतनी बड़ी भी नहीं है, बट ये है कि आयुष वगैरह सब साथ में है, तो साथ में चल चल के हो जाएगा। तो भाई लोगों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, आप रास्ते में व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार देखो व्लॉगिंग की तरफ दिमाग चला जाता है और बाइक में ऑलरेडी लाइट नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो घर जाके मैं आपसे आज बात करता हूँ, और रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं तो वो भी बताता हूँ। चलो मिलते हैं जी घर पर सीधा। तो भाई लोगों, टाइम से अपन पहुँच चुके, सहारा मेरे को मिल चुका था, और अभी मैं अपन चल रहे हैं भाई सीधा टीलैंड की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो एक एक चाय तो बनती है, क्योंकि हाईवे पर ही है, तो अब क्या ही छोड़ के जाएं भाई यहाँ पर टीलैंड को। तो बस टीलैंड पहुँचने वाले हैं, टीलैंड पर बैठ के एक आधा चाय वाय पी के फिर वापस घर के लिए निकल जाएंगे। और ये लो जी, ये आ गया अपना टीलैंड, आगे से मार के आएंगे यू टर्न। यार इधर में तो पता नहीं क्या जादू किया हुआ है धीरज भैया ने। धीरज भैया क्या जादू किया है हमें भी बताओ ज़रा, आपने ऐसा जादू करा है अपने कि हम घर बाद में जाते हैं, पहले आपके पास दर्शन करने आते हैं। गलत बात है धीरज भैया, क्या मिला के पिला रहे हो अब चाय में? हाँ जस्ट जोकिंग भाई, क्या है ना पूरे दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और शाम के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम चाहिए होता है, और जगह चाहिए होती है। तो दिस इज़ मच बेटर कि अपन टीलैंड में आके बैठ जाएँ, बहुत शांति टाइप में माहौल है। और ये लो जी फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, आपके सामने आ चुका है टीलैंड।